नमस्ते भैया, राधे राधे। श्री कामधेनु टेक्सटाइल में आपका स्वागत। आज मैं कुछ यूनिक और हटके, मतलब एकदम हटके डिजाइनर लेके आऊँ जो आपने कहीं नहीं देखी होगी। आज श्री कामधेनु टेक्सटाइल में आपको मिलने वाला है, एकदम देख सकते हैं गोल्डन जरी का काम किया हुआ है पूरे साड़ी में, और पूरा देखो पल्लू के साथ में, पूरा फिनिशिंग के साथ। लुक इसका बनारसी का है, बाकी प्योर कपड़े में पूरा गोल्डन जरी का काम किया हुआ साड़ी में, देखो पूरा काम आने वाला है। और बॉर्डर देखो इसका कितना फिनिशिंग के साथ किया हुआ है, पूरा जैकार्ड का काम है, देख सकते हो धागे से, पूरा कच्चे धागे का काम किया हुआ। और कलर की बात करें, इसमें पांच कलर की मैचिंग आती है, और यूनिक टेस्ट में कलर बता देता हूं आपको। आज जो भी आइटम बताऊंगा सब कलर मैचिंग के साथ बताने वाला हूं। कलर भी ऐसे है जो कहीं पर भी चल जाए, पूरा यूनिक कलर है, सदाबहार चलने वाले कलर है। तो आज जो टेस्ट है मैं इतनी गारंटी देता हूं, आपने कहीं नहीं देखा होगा जो डिजाइन में लेके आया हूं, पूरा एकदम हटके पूरा यूनिक डिजाइन और नया है। कुछ मार्केट में साड़ियां तो सभी दिखाते, कुछ अच्छा यूनिक चाहिए जो ग्राहकी तो बोलते हैं इसी से चलने वाले, हर दुकान पे साड़ी मिल जाए, कुछ अच्छा दिखाओ। ये देखो सीरोस की डायमंड के साथ ऑर्गेंजा के ऊपर। आज जो भी साड़ी दिखाऊंगा सब पल्लू के साथ बताने वाला हूँ, देख सकते हो पूरा। और साड़ी में ऐसा पूरा लटकन भी आने वाला है, देख सकते हो पूरा। और पूरा सीरोस की डायमंड, मशीन डायमंड का काम जिसको बोल सकते हो। इसका भी कलर मैचिंग में बता देता हूँ, ये देखो कलर, मतलब कलर मैचिंग ऐसी है देखने के बाद दिल खुश हो जाए। वही कलर मैचिंग, पांच कलर की रेंज है ये भी पूरा एकदम। अब मैं तीसरी डिजाइन बताऊंगा ऑर्गेंजा सीक्वेंस के ऊपर, गोटा पट्टी के लेस है, और बॉर्डर भी पूरा जैकार्ड का आने वाला है। तो ये भी साड़ी खोल के बताता हूँ आपको, क्योंकि साड़ी खोलने के बाद ही लुक होता है, पैक में तो क्या खाली पल्लू दिखता है। ये देखो चित पल्लू का डिजाइन आने वाला है पूरा एकदम, कितना फिनिशिंग के साथ काम किया हुआ देख सकते हो। सबसे बड़ी बात है इसका बॉर्डर में देखो कितनी फिनिशिंग के साथ और कितना सुंदर लग रहा है। उसके ऊपर गोटा पट्टी की लेस है और पाइपिंग है, कितना सुंदर लग रहा है। और इसमें देखो सीक्वेंस का काम किया हुआ पूरे साड़ी में, और भी एकदम फिनिशिंग के साथ देख सकते हो, वर्क कितना सुंदर लग रहा है इस साड़ी में। और इसकी कलर की बात करें, कलर मैचिंग भी इसके अच्छे, इसमें छह कलर आएंगे पूरा एकदम यूनिक। ये देखो इसके छह कलर आने वाले हैं। इसके बाद मैं कुछ सीरोस की डायमंड में लेके आया हूँ जो एकदम प्योर बोलते हैं सिफोन जरी के ऊपर रहने वाला है, एकदम प्योर कपड़े होने वाला है। मैं साड़ी दिखाता हूँ, ऐसा लुक दिख रहा है पूरा ब्रासो जैसा, ब्रासो में ऐसा पूरा कच्चे धागे का काम जैसा वैसा नहीं है, ये पूरा रिबिंग का काम है, बनारसी टच में है, पूरा एकदम फैंसी चीज है। ये देखो, और पल्लू भी पूरा शानदार है, इसमें भी वही है गोटा पट्टी की लेस है, पाइपिंग है, और सीरोस की डायमंड, मशीन डायमंड जिसको बोलते हैं। पूरी साड़ी में खोल के बता देता हूँ। और ब्लाउज की बात करें, इन साड़ियों में एक मीटर का पूरा ब्लाउज आने वाला है इस टाइप का, देख सकते हैं। और कोई भी साड़ी अपने पास लोगे सब विद ब्लाउज आएगा, बिना ब्लाउज कोई साड़ी नहीं मिलेगी। एक कलर देखो इसके। अब मैं कुछ गोटा पट्टी की आइटम लेके आऊ मिरर के साथ में, देखो लाइट कलर रेंज आने वाली है पूरा एकदम एकदम फैंसी साड़ी। कलेक्शन ऐसा रखो कि दूर से ही कस्टमर देखे हाँ बोले कोई कलेक्शन रखा है। 250 की साड़ी कलेक्शन अगर तुम्हारे पास अच्छा है तो 450 देके जाएगा, अगर तुम 1000 का भी रखोगे ना कलेक्शन अच्छा नहीं रहेगा तो नहीं ले रहा, आप 1100 भी बोलोगे तो नहीं लेने वाला है। मेन चीज होता है कलेक्शन हटके रखना चाहिए। ये देखो बॉर्डर, देखो बॉर्डर की फिनिशिंग देखो, कितना कटवर्क की डिजाइन है, पूरा फिनिशिंग और मिरर का काम है पूरे साड़ी में। और ये पूरा बॉम्बे रेंज आएगा, लाइट कलर में आएगा, और ब्लाउज में पूरा मिरर का काम आएगा इस टाइप का। मैं कलर रेंज बता देता हूँ इसका, इसमें भी पूरे छह कलर है, इस टाइप का इसकी कलर रेंज आएगी। इसके अलावा बनारसी में भी पट्टू साड़ी चाहिए इस टाइप का तो भी मिल जाएगा, कैटलॉग साड़ी चाहिए तो भी मिल जाएगा, बात नहीं चाहिए तो मतलब कोई भी साड़ी में इंक्वायरी हो तो अपने पास मिल जाएगा। सूरत में जो भी मैन्युफैक्चर होता है सब अपने पास मिलने वाला। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।